Assalamualaikum, this is Meena Rais. Welcome to my YouTube channel Cooking with Meena Rais. Hope you all are fine, safe and healthy. ईद हजा अन करीब है, हमारे दस्तरखान जहाँ नमकीन पकवानों से सजेंगे वहीं मीठे के बिना हमारी दावतें अधूरी हैं। इस ईद उल अजहा पर मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ न्यू, कुछ डिफरेंट। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मैंगो लबेशीनी। देखने में तो अट्रैक्टिव है ही, खाने में कहीं ज्यादा मजेदार है। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जनाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो लबेशीनी बनाने के लिए हमने मिल्क लिया है, 1.5 लीटर हमारे पास मिल्क है और ये बहुत झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। और इसको हमने बॉईल कर लिया है मिल्क को। अब इसके अंदर हम साथ ही हसबे ज़रूरत हसबे ज़ायका शुगर ऐड करेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसके अंदर शुगर ऐड करें। मैंने हाफ प्याले से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर ऐड की है। और साथ ही हम इसके अंदर गैस फ्लेम हमारी इस वक्त मीडियम है और साथ ही हम इसके अंदर ये मल्टी शेडेड हमारे पास सिवैयाँ हैं, ये सिवैयाँ हम ऐड करेंगे हाफ प्याली। ठीक है, मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि सिवैयाँ आपस में चिपक ना जाएँ और चीनी हमारी डिसॉल्व हो जाए। बस इतनी देर हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। जी देखें, चीनी हमारी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है, अच्छी तरह से घुल गई है और सिवैयाँ भी हमारी ये गल गई हैं, ये देखें। अच्छा, सिवैयों की वजह से मल्टी शेडेड सिवैयाँ थी तो दूध का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अब इस पानी पर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। अब कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। हाफ प्याली मिल्क हमने पहले निकाल लिया था, ठंडा मिल्क है हमारे पास और इसके अंदर हमने 2 या 2.5 चम्मच आप इसके लें ये वाला टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड का, मैंगो कस्टर्ड पाउडर का मैंने इसके अंदर ऐड किया है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। मुसलसल चमचा चलाएंगे और फिर अपना पाउडर कस्टर्ड पाउडर का जो हमारा लिक्विड है ये ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है, मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अच्छा, मैंगो लबेशीनी बना रहे हैं तो मैंने मैंगो कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर का पाउडर जो है वो लिया है, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैंगो कस्टर्ड है, मैंगो लबेशीनी है तो इसलिए मैंने इसके अंदर मैंगो लिया है, मैंगो फ्लेवर ऐड किया है। देखिए मुसलसल हम इसके अंदर चमचे चलाते रहे हैं और हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी में चाहिए। हमने इसको इसका हमें रनी रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें इसका थिक नहीं बनाना है। बस गैस फ्लेम हम अपनी ऑफ करते हैं और अब हम इसको ठंडा करते हैं। अब ये आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी बाउल में इसको ठंडा कर लें या आप इसको ट्रांसफ़र कर लें किसी बाउल में और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, ताकि फिर आगे का हमारा जो भी प्रोसीजर है हम स्टार्ट करें। जी लबेशीनी का जो बैटर है इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ठंडा भी हो गया है। अच्छा, काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो चीज़ें ऐड होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम कॉन्डेंस मिल्क ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी 2 टेबल स्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम है, चिल है बिल्कुल, ये हाफ और ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसके साथ जाएगा जी मैंगो प्यूरी है, मैंगो है, मैंगो फ्लेवर है, मैंगो लबेशीनी है तो इसलिए हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर रहे हैं। ये भी 2 टेबल स्पून जाएगी, हाफ और ले लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो चीज़ें ऐड होंगी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। क्रीम वगैरह इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ये देखें अभी से माशाल्लाह से इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ये। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगोस, ये मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है तमाम चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। और ये कॉकटेल है, ये तो इसके अंदर लाजमी जाता है, इसके बगैर लबेशीनी अधूरा रहता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। चाहे आपने कम इसमें ऐड करना है लेकिन लाजमी इसको इसमें ऐड करना है। हाफ प्याली ऐड कर देंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
सब्जी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे गुलाब जामुन, येलो कलर के एंड पिंक कलर के। इसके अलावा और भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त मैंगो के हिसाब से इसके अंदर येलो कलर लिया है। ये भी आप जितना दिल चाहें, जितना आपको पसंद हो, जितनी आपको नीड हो, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जी येलो जेली, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड करेंगे, वो हैं जी पिस्ते हैं, हमने कट कर लिया है, और बादाम हैं, कुछ काजू हैं, और ये ब्लैक किशमिश हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसका। अच्छा, आपके पास जो भी नट्स हो ना, या जो आपको पसंद हो, आप वो इसके अंदर ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये था घर में, सो मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से अभी कितना कलरफुल लग रहा है ये। सोचें जब ये बन जाएगा खाने में कितना मज़े का लगेगा ये। देखें बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, और कितना इजीली, कितना आसानी से देखें ये बन गया है। सिर्फ हमने कस्टर्ड तैयार करना है, और उसके बाद तमाम चीज़ें हमने सिर्फ इसके अंदर मिक्स करनी है। और जी इसको सिर्फ हमने अब ठंडा करना है, अच्छी तरह से बहुत इसको ठंडा करना है। फ्रिज में रख दें इसको, कम अज़ कम 2.5 से 3 घंटे हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे, और हमारा मज़ेदार सा लबेशीरी देखें रेडी। देखिए तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।